नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे सबके चैनल मास्टरमाइंड टेक में। तो दोस्तों, एक 15-20 दिन पहले हमने ये जो आप गाड़ी देख रहे हो उस पर 9H का कोटिंग किया था। तो दोस्तों, वो वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं है तो ऊपर नोटिफिकेशन आया होगा, तो वो वीडियो पहले आप देख ले, बाद में ये वीडियो देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो 9H कोटिंग हमने किया था वो कैसा रहा है और उसके फ़ायदे कौन से है, उसके लॉस कौन से है या वो कोई फेक प्रोडक्ट है, इस पर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इसका सबसे पहला फ़ायदा ये जो है, तो दोस्तों कलर को जो शाइन आती है ये बहुत अच्छी शाइन आती है और दोस्तों कलर एकदम मिरर फिनिश आता है कलर पर। तो दोस्तों, ये कलर में मिरर जैसा चेहरा वगैरह दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैमरा लेके मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पूरा टैंक में मैं दिख रहा हूँ, ये पेड्स वगैरह सब दिख रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरा फायदा इसका, इस पर कोई भी गंदगी है वो चिपकती नहीं है, जैसे ओरिजिनल कलर पर चिपकती थी और हमें रगड़ रगड़ के वो धोनी पड़ती थी, वैसा इसमें नहीं करना पड़ता। और दोस्तों, तीसरा जो फ़ायदा है इस पर, दोस्तों ये इस तरह के जो डस्ट लग रहा है, ये हमारा रस्ट लगता है वो नहीं आएगा, क्योंकि इस पर पानी नहीं टिकता। मैं पानी आपको डाल के दिखाता हूँ, ये दोस्तों पानी जो है ना ये इस पर रहता ही नहीं है। ये देखो, ये पानी पूरा चला जाता है। ये देखो, एक दो बूंदे रहते हैं ऊपर, वो भी गाड़ी हिलाने पर चली जाती है। तो दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसकी वजह से गाड़ी में जो रस्ट लगने की ऐसी प्रॉब्लम आती है ये नहीं आती। दोस्तों, तीसरा फ़ायदा इसका ऐसा है कि जो छोटे छोटे स्क्रैचेस लगते हैं नाखून से वगैरह, वो स्क्रैचेस इस पर लगते नहीं है। देखो, ज़रा भी वो लगते नहीं, इसका जो हार्डनेस होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसके और भी फायदे हैं इस पर, दोस्तों अगर कुछ केमिकल गिर जाता है या फिर बहुत से शहरों में एसिड रेन होती है पोल्यूशन के कारण, उससे कलर को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। और दोस्तों, हम गाड़ी धूप में लगाते हैं, गाड़ी धूप में लगाने पर दोस्तों जो गाड़ी का कलर है वो फीका हो जाता है। तो दोस्तों, ये कोटिंग करने के बाद ये कलर फीका नहीं होगा आपने गाड़ी धूप में लगाई तो भी। तो दोस्तों, अगर आप नई गाड़ी लेने वाले हो तो पहले ये कोटिंग कराओ, बाद में गाड़ी यूज़ करो, क्योंकि ये कोटिंग शाइन के साथ आपको प्रोटेक्शन भी दे देता है। दोस्तों, इसका लॉस तो मुझे एक ही नज़र आया, दोस्तों इसका लॉस एक ही है, क्योंकि जो गाड़ी पर हम जो कोटिंग करते हैं ना, तो गाड़ी में ये जो कलर है उसकी शाइन बहुत बढ़ जाती है, कलर में एक अच्छी ग्लॉस आ जाती है। अब समझो कि मैंने 9H कोटिंग कर दिया, उसके बाद ये जो पीस है ये मुझे बदलना पड़ा, इस पर गाड़ी गिर गई या फिर स्क्रैचेस आ गई या किसी ने तोड़ दिया, तो इधर जो मैं पीस लगाऊंगा तो वो थोड़ा अलग दिखाई देगा, क्योंकि वो ओरिजिनल पेंट होगा कंपनी का और इस पेंट से उसकी जो ग्लॉस है ये कम होगी। यही एक लॉस है इसमें। इस पर भी एक ऑप्शन है, क्योंकि हम जब भी ये 9H की बॉटल ख़रीदते हैं 30 ml की, उसमें दो हमारी गाड़ियाँ हो जाती है, उस पर भी थोड़ा सा वो 9H का कोटिंग बचता है, वो हम संभाल के रख देंगे तो वो फ्यूचर में हमें ऐसे काम आ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल है मास्टरमाइंड टेक, उसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।